बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू लेक्चर। हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट था केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का, वो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। और मैंने कहा था कि इस थियोरी वीडियो के बाद हमारा एक एमसीक्यू का वीडियो आएगा और इसके बाद एक न्यूमेरिकल का वीडियो आएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किया लेट्स गेट इनटू इट। और हम यहाँ पे एक पॉइंट्स देख लेते हैं कि दिस एमसीक्यूज आर फ्रूटफुल फॉर बोर्ड्स एंड गुड सेट। These MCQs are also useful for JEE examination and do these MCQs thoroughly. हमने अराउंड 51 MCQs कवर अप किए हैं, इसमें इंटीग्रेट करे हैं। सो फर्स्ट MCQ देख लेते हैं। फर्स्ट MCQ हमें ये कहता है कि इन विच फील्ड केमिकल काइनेटिक्स इज नॉट यूजफुल। ये हमारे चार ऑप्शन है, ओके। इसमें से एक आपको ट्रिक दिखा देता हूँ कि अगर आपको ये MCQ खुद से सॉल्व करने हो तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए और फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तब तक मैं इसमें आंसर लिख दूंगा, सो आप क्रॉस वेरीफाई चेक कर सकते हो। सो फर्स्ट MCQ का आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, टू नो द प्रपोर्शन टू विच रिएक्टेंट्स विल बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये नॉट शब्द जो है इसे हाईलाइट या फिर अंडरलाइन करना है। कई बार गलती होती है, हम ये देख लेते हैं और ये देख लेते हैं, इसको भूल जाते हैं, सो हमारा आंसर गलत हो जाता है। सो ये ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर केमिकल काइनेटिक्स। ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट। हमारा ये आंसर होने वाला है। थर्ड MCQ की ओर चलते हैं। थर्ड MCQ हमें क्या कहता है कि यूनिट ऑफ टाइम, विच यूनिट ऑफ टाइम इज सिलेक्टेड फॉर फास्ट रिएक्शंस। ओके, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। आप पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि विच इज द SI यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट का SI यूनिट क्या होने वाला है, ABCD में से कौन सा ऑप्शन होगा? वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मोल मीटर रेस टू -3 सेकेंड इन मोल्स। नेक्स्ट MCQ ये है, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय -1/2 DN2O5 dt। ये हमें क्या दिखाता है? तो ये हमें दिखाता है डीकम्पोजिशन रेट ऑफ N2O5। सिक्स्थ नंबर का MCQ, Which of the following unit of time possessing reaction will be fastest? Reaction fast किस unit of time में होगा? So इसका answer है femtosecond. Next MCQ हमारा 7th number का, reaction A हमें दिया हुआ है 5 gram CaCO3 20 ml 2 molar HCl. Reaction B है 5 gram CaCO3 2 ml 4 molar HCl. So which of the following is correct? So इसका correct answer होगा option B. और इसमें मैं आपको समझा भी देता हूं कि ये answer हमारा कैसे आया। एक sentence याद रखना है और आपका हो गया ये answer. ये है greater the concentration, greater the concentration of reactant, greater the rate. अगर reactant का concentration ज्यादा होगा so उसका rate भी ज्यादा होने वाला है. So इस वाले में concentration ज्यादा था तो हमें इसमें भी answer ये मिल गया है. अब next question की ओर चलते हैं. ये रहा, for the reaction N2O5 gives 4NO2 plus O2. If reaction rate and rate constant are denoted as follows, which reaction between K1, K2 and K3 is correct? और ये हमें डेटा प्रोवाइड करा गया है, इसमें से हमको बताना है. ओके, सो आप वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए कि कैसे ये सब होने वाला है. मैं तब तक आंसर लिख देता हूं. इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए. हाफ K1 इज इक्वल्स टू
हाफ के वन इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ के टू और ए थ्री एज इट इज होने वाला है। 9 नंबर का एमसीक्यू। फॉर द रिएक्शन N2+3H2 ओके गिव्स 2NH3 द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2 इज, हमें रेट ऑफ कंजम्पशन दिया गया है H2 का वो है 2.4 × 10⁻²-2 सॉरी। हेंस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज ओके। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, हमें सिंपली रेट्स लिखने हैं सबके, इसका रेट, इसका रेट, इसका रेट, और उसमें ये वैल्यू पुट अप करना है। सो हमें आंसर मिल जाएगा NH3 का और वो होगा 1.6 × 10⁻²-2। 10th नंबर का एमसीक्यू। इफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन, हमें ऑर्डर दिया है एन, देन व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ इट्स रेट कॉन्स्टेंट, उसका यूनिट क्या होगा? उसका यूनिट होगा L^(n-1) mol^(1−n)^2। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के इक्वल्स टू ब्रैकेट में मोल अपॉन लीटर 1−n^2। ये एमसीक्यू में ये ऑप्शन भी आएगा, ये ऑप्शन भी आएगा, और आपको कहेंगे एक ऑप्शन होगा बोथ, तो हमें ये टिक करना रहेगा। ओके, तो हमारा 11th नंबर का एमसीक्यू ये रहा। इफ टू रिएक्टेंट्स आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, देन द रिएक्शन विल नेवर बी। अगर दो रिएक्टेंट्स रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, सो वो रिएक्शन कैसा नहीं हो सकता? नेवर शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके, सो इसका आंसर होगा मोनोमोलेक्युलर। ऑब्वियसली मोनोमोलेक्युलर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दो रिएक्टेंट्स का जिक्र किया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यू इज, इन द रिएक्शन ए गिव्स बी, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, ए का कंसंट्रेशन हम डबल करेंगे, सो रिएक्शन का रेट जो होगा वो 1.59 टाइम्स इंक्रीज होने वाला है। वो इंक्रीज होने वाला है, सो उसका ऑर्डर क्या बनने वाला है? ओके, ट्रिक यूज कीजिए, वीडियो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। ओके, तो इसका आंसर होने वाला है 2/3। इसका आंसर 2/3 होने वाला है। ओके, इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ फ्यूल्स आर टेकन, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ कंबस्टन रिएक्शन? ओके, हमें ऑर्डर बताया गया है, उसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसका आंसर होने वाला है गैशियस फ्यूल ग्रेटर देन लिक्विड फ्यूल ग्रेटर देन सॉलिड फ्यूल। ओके, ऑर्डर है कंबस्टन रिएक्शन का, कंबस्टन रिएक्शन का, रेट ऑफ कंबस्टन रिएक्शन। दिस विल बी द आंसर। ओके, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट विद द रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, A+2B गिव्स 2C+3D। इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता? ओके, सो ट्रिक यूज कीजिए, सॉल्व कीजिए, और कौन सा नहीं हो सकता वो देखिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा होने वाला है ये वाला। ये वाला 15th नंबर है हमारा, कि ये हमें रिएक्शन दिया गया है Br(O3−5Br−6H+)3Br2 +3H2O। इसका रेट ऑफ कंजम्पशन Br का दिया गया है ये वाला, सो रेट ऑफ कंजम्पशन H+ का और रेट ऑफ Br का क्या होगा, रेस्पेक्टिवली क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। और ये रिएक्शन अगर आपको याद हो
कि हमने जो हमारा सेकंड वीडियो था केमिकल काइनेटिक्स का, सेकंड वीडियो जिसमें हमने ऑर्डर डिस्कस किया था, उसमें मैंने कहा था कि ये वाली जो रिएक्शन है, कि ये वाली जो रिएक्शन है वो हमें रिमेम्बर करनी है ऑर्डर के लिए. ये हमें रिमेम्बर करनी है रेट के लिए और ऑर्डर के लिए. ये वही रिएक्शन का यूज किया गया है और इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए. इसका मैं हिंट दे देता हूं कि ये कैसे हो सकता है. N1 upon R1 = N2 upon R2. ये फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट अप करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा. 16th नंबर का एमसीक्यू. रिएक्शन 2A+B गिव्स C इज एन एलिमेंट्री एंड स्लो स्लो रिएक्शन है. इन द बिगिनिंग रिएक्शन इज देन टेकिंग 3 मोल ऑफ ए, 2 मोल ऑफ बी एंड 1 मोल ऑफ सी. व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर टू इनिशियल स्टेट. इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी. वो कैसे होने वाला है हम सॉल्व कर लेते हैं कि जो इनिशियल रेट होगा वो होगा के 3:2, 2:1. सो इसका आंसर आएगा 18. अब जब 1 मोल सी का 2 मोल ए के और सॉरी 2 मोल बी के और 3 मोल ए के हम जब यूज करेंगे तो हमें मिलेगा A=1, B=1. सो हमारा फाइनल फाइनल रेट जो होगा वो होगा K1:1 = K. सो जो फाइनल रेट होगा वो K के बराबर माना जाएगा और इसका जो रिलेटिव रेट है, रिलेटिव रेट वो है 1/18, मतलब कि 18 टाइम्स. ये भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज 17 नंबर. द रिएक्शन 2O3 गिव्स 3O2 गेट्स कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स एज फॉलोज. सो इसका रेट क्या होने वाला है. एक हमें दिया गया है फास्ट स्टेप और एक दिया गया है स्लो स्टेप. तो इसका हमें रेट फाइंड करना है. ट्रिक यूज कीजिए, सॉल्व कीजिए और तब तक मैं आंसर लिख देता हूँ. आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए. रेट इक्वल्स टू K0 into O3 raised to 2 O2 raised inverse. थोड़ा मेसी हो गया, कोई बात नहीं, हम कवर अप कर लेते हैं इसको. सो इसका आंसर ऑप्शन ए है. हम इसे सॉल्व कर लेते हैं कि जो रेट होगा वो K3O3O होगा O=K1/K2 O3/O2. रेट इक्वल्स टू K1 K3/K2 O3 O3/O2. सो फाइनल रेट हमें ये मिलेगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट 18 नंबर. इन द रिएक्शन 2SO2+O2 गिव्स 2 times SO3. द रेट ऑफ कंजम्पशन, द रेट ऑफ कंजम्पशन दिया है ऑफ SO2 इज 6.4 × 10⁻³ ग्राम इंटू सेकेंड इनवर्स. हेंस द रेट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन पूछा है ऑफ SO3 इज. अब ट्रिक यूज कीजिए और इसका आंसर होगा बी. कैसे आता है वो देख लेते हैं. 2 × 64 ग्राम ऑफ SO2 गिव्स अस 2 × 80 ग्राम ऑफ SO3. और 6.4 × 10⁻³ ग्राम इंटू सेकेंड इनवर्स SO2
तो हमें क्या मिलेगा? इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 8 × 10⁻³ ग्राम सेकेंड इनवर्स। ओके, हमारा नेक्स्ट 19th नंबर है। फॉर द रिएक्शन CH3COOH प्लस CH3OH गिव CH3COO CH3 प्लस H2O टू 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ ईच रिएक्टेंट 4 लीटर वाटर इज एडेड फॉर डाइल्यूशन। वॉट विल बी द इफेक्ट ऑन द रिएक्शन रेट? ओके, 1 लीटर सॉल्यूशन होगा ईच रिएक्टेंट का, अगर 4 लीटर वाटर एड किया जाए डाइल्यूशन के लिए सो रिएक्शन रेट में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25 times। देख लेते हैं, 1 लीटर प्लस 4 लीटर इक्वल्स टू 5 लीटर, सो कंसंट्रेशन जो हमारा होगा, कंसंट्रेशन हमारा होगा वो होगा 1/5। ओके, सो रेट इक्वल्स टू के ऑफ सी एच थ्री सी डबल ओ एच, रिएक्टेंट्स का लेना होता है, इन टू सी एच थ्री ओ एच इक्वल्स टू 1/5 इन टू 1/5, सो 1/25 विच इज इक्वल्स टू decreases by 25 times। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट 20 नंबर। फॉर द गैसियस रिएक्शन ए प्लस 2B गिव्स प्रोडक्ट के इक्वल्स टू रेट इक्वल्स टू के इंटू ए इंटू बी रेस टू 2। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन इज क्विकली रिड्यूस्ड बाय 4 times what will be the effect on the rate? Rate पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? So इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर ये है कि रेट प्रपोर्शनल टू रिएक्टेंट का क्यूब। ओके, सो रेट प्रपोर्शनल टू 1/1/4 का क्यूब। सो इसका आंसर होगा 64 times इंक्रीज होगा, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, सो इंक्रीज, नीचे होता तो डिक्रीज आता। नेक्स्ट एमसीक्यू। ओके, फॉर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड फॉर रिएक्शन 2A + B गिव्स 8B। सो हमें ऑर्डर का ये टेबल दिया गया है, इसका हमने रिस्पेक्टिवली काउंट करना है। ओके, कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें से हमें करेक्ट रेट इक्वेशन को चूज करना है। ओके, ए के लिए समझते हैं, ए के लिए 1 है, सेम है, कोई चेंज नहीं है, और रेट में 2 times हो रहा है, तो इतना तो ऑब्वियस हो गया कि ए का वैल्यू होने वाला है 1/2। फिर यहां से 4 times डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे 1/2 ही हो रहा है, मतलब ए का वैल्यू जो होगा वो 1/2 times होगा। ओके, और अब बी का देख लेते हैं, बी का 4 times इंक्रीज हो रहा है और ये 2 times हो रहा है और यहाँ पे सेम रह रहा है पर 1/2 हो रहा है, सो बी का वैल्यू भी होने वाला है 1/2। सो इसका आंसर क्या मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट अप 22। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन 2NO2 गिव्स, ये K1 है, ये फॉरवर्ड में K1 है और ये रिवर्स में K2 है, N2O4 विथ व्हाट विल बी द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NO2 बी इक्वल? रेट ऑफ कंजम्पशन पूछा है। ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और इसका जो हिंट है वो है, फॉर रिवर्स रिएक्शन के लिए VF - VB को कंसीडर किया जाएगा। VF मतलब के फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब के फॉरवर्ड रिएक्शन, और VB मतलब के रिवर्स रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ओके, नेक्स्ट अप 23 नंबर।
फॉर द रिएक्शन टू ए प्लस बी प्रोडक्ट व्हेन ए इक्वल्स टू 6 मोलर एंड बी इक्वल्स टू 3 मोलर रिएक्शन रेट इक्वल्स टू 60 मोलर इंटू सेकेंड इनवर्स अंडर द सेम कंडीशन इफ ए इक्वल्स टू 2 मोलर एंड बी इक्वल्स टू 6 मोलर द वैल्यू ऑफ रेट रिएक्शन रेट इज इसका आंसर होगा 13.3 m into second inverse, okay? So, जो r होगा वो होगा k into a raise to 2, b raise to 2, sorry, b raise to 1. Okay, अब रेशियो ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 60 upon r is equals to k into 6 raise to 2 into 3 raise to 1 upon k into 2 raise to 2, 6 as it is. ओके सो आगे जाके होगा 60 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3 बाय 4 अब इसको यहाँ ले जाते हैं इसको यहाँ ले जाते हैं आर इज इक्वल्स टू 60 इंटू 4 अपॉन 6 इंटू 3 ये 10 40 डिवाइड बाय 3 आंसर होने वाला है 13.33 m सेकेंड इनवर्स ओके ये हमने यहाँ पे ही टिक किया था ओके हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू 24 नंबर का फॉर द रिएक्शन x2 प्लस y2 गिव्स 2xy द रिएक्शन रेट इक्वल्स टू k इनटू x2 y2 इफ दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट सेपरेटली इन अ 4 लीटर वेसल एंड 1 लीटर वेसल देन द रेशियो हमें पूछा गया है सो आप स्टॉप कर सकते हैं अगर आपको ये आता है तो और नहीं आता तो इसका आंसर होने वाला है b इक्वल्स टू 1:16 और इसका आंसर है कि 4 लीटर के लिए r1 की वैल्यू k इंटू 1/4v स्क्वायर क्योंकि r1 प्रोपोर्शनल है 1/16 से और फॉर वन लीटर R2 की वैल्यू है K into 1/V का स्क्वायर क्योंकि R2 प्रोपोर्शनल है 1 से ओके सो रेशियो होने वाला है R1 is equals to 1 is to 16 या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि R2 is equals to 16 times R1. ओके सो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू 25 नंबर का ये रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद द रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग होने वाला है ओके अगर आपको आता है तो आप सॉल्व कीजिए और अगर आपको नहीं आता तो उसका आंसर है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली नहीं ऐसा नहीं हो सकता ओके ये रॉन्ग लिखा है अगर आपने इस शब्द को फोकस नहीं किया तो आप गलती कर रहे हो और ये सीबीएसई पीएमटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है नेक्स्ट है सीबीएसई पीएमटी 2011 वाला सेम सेम है गलती से हो गया नेक्स्ट है 1 रिएक्शन कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स फर्स्ट स्टेप इज स्लोएस्ट ऑफ ऑल एंड फॉलोज सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द थर्ड स्टेप इज फास्ट एंड फॉलोज थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा सी क्योंकि स्लो स्टेप फॉलोज द सेकेंड ऑर्डर ओके सो स्लो स्टेप डिटरमाइंस द ऑर्डर क्योंकि स्लो स्टेप जो होता है वो होता है RDS रेट डिटरमाइनिंग step okay so slow step is the order of the reaction
प्रोबेबली 50 एमसीक्यूज ही होने वाले हैं, क्योंकि आगे एक एमसीक्यू रिपीट हो गया है. सो वो हमारी गलती थी. सो विच सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्टिवली मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर इज नॉट कंसिस्टेंट. ओके, इसका तो आंसर सीधा सीधा बनता है ऑप्शन बी, फ्रैक्शन. फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन, मॉलिक्यूलरिटी कांट बी फ्रैक्शनल एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा नहीं हो सकता. पहले मॉलिक्यूलरिटी देखनी है और सेकेंड वाले में ऑर्डर है. इतना बड़ा ऑर्डर, नेगेटिव ऑर्डर, ये तो फ्रैक्शन है, नहीं हो सकता. कि देखिए मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल एंड ऑर्डर कैन नॉट बी टू हाई. ओके, ये आपका रीजन हो गया. नेक्स्ट एमसीक्यू इज, इफ द रिलेशन बिटवीन हाफ रिएक्शन टाइम एंड आर जीरो इज टी हाफ प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर जीरो एन माइनस वन रेस टू एन माइनस वन, देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ऑप्शन डी, इसका आंसर ऑप्शन डी होने वाला है. नेक्स्ट अप, जीरो ऑर्डर मींस, जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है. रिएक्शन रेट अकरिंग एट जीरो टेम्परेचर, बिल्कुल नहीं. वैल्यू ऑफ रिएक्शन रेट इज जीरो, नहीं. द रिएक्शन इन विद रिएक्शन डोंट टेक पार्ट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. रिएक्शन रेट एंड रेट कॉन्स्टेंट आर इक्वल, आर इक्वल, ये हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्राफ ऑफ द रिएक्शन रेट एंड टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, सो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी. इसका रीजन है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यहां हमें जीरो ऑर्डर कहा गया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इज इन डिपेंडेंट ऑफ टाइम. रेट इज इनडिपेंडेंट ऑफ टाइम. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है. ऑप्शन नंबर डी आंसर ये होने वाला है. नेक्स्ट, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज आर जीरो, देन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट विल बी. इसका आंसर होगा बी, और इसका एक्सप्लेनेशन होगा जीरो ऑर्डर के लिए टी की वैल्यू होती है आर जीरो माइनस आर पी अपॉन के. ओके, व्हेन रिएक्शन कंप्लीट, व्हेन रिएक्शन कंप्लीट आर जीरो इज इक्वल्स टू जीरो. ओके, सो जो आर होंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और आर जीरो जो होंगे वो आर टी में कन्वर्ट हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन रॉन्ग होती है. सो इसका आंसर होगा डी. ओके, नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल्स टू 14 सेकेंड्स. टी हाफ की वैल्यू 14 दी हुई है. द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कंसेंट्रेशन टू 1/8 विल बी. ऑप्शन ए होगा कि देखिए 1 सेकेंड है से हाफ, हाफ टाइम है दिया हुआ, इसलिए 14 सेकेंड हुआ.
उसका हाफ 1/4, उसमें भी 14 सेकेंड हुआ। हमको जाना है 1/8 तक, उसमें भी 14 सेकेंड हुआ, तो 14 + 14 + 14 = 42 सेकेंड्स हमें आंसर मिल चुका है। अब 36, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 30% इन 40 मिनट्स, टी हाफ = इसमें हिंट दी हुई है, मतलब ये क्या है, ये है के, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का वैल्यू हमने देखा था टी हाफ = 0.693 बाय बाय ये हमें के का वैल्यू दिया गया है। इसमें टी आपको नीचे ले लिया है, के को सब्जेक्ट बना दिया है, और ये 2.303 × log r0/r1/r2 मतलब r0/rt इसमें ये लिया गया है। इसमें हमें वैल्यूज पुटअप करनी है और हमें हमारा आंसर मिल रहा होगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्राफ ऑफ रिएक्शन रेट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ओके, इसका आंसर ए होगा, और इसका रीजन ये है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन से। ओके, नेक्स्ट, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 45 मिनट्स, व्हाट टाइम विल बी रिक्वायर्ड बाय रिएक्शन टू कंप्लीट 99.9%। इसका आंसर होगा 7.5 आवर्स। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, इफ द रेट कॉन्स्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर इज के, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय। तो इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि जो के होगा वो 2.303 upon t log r0 upon rt = 2.303 / t log 100/1 2.303 upon t। एक्सप्लेनेशन के लिए 100 को हम 10² भी लिख सकते हैं, तो 2.303 इसका क्या होगा, इसका होगा 2 × 1। तो इवेंचुअली इसका होगा t = t को सब्जेक्ट बनाएंगे 100 हमें मिलेगा, और के को नीचे रखेंगे तो हमें मिलेगा 2.303 × 2 = 4.606 upon k। ये हमारा आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ टी अपॉन 7/8 टू टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, इसका आंसर होगा 3। ओके, नेक्स्ट, फॉर रिएक्शन एक्स गिव्स वाई, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट ऑफ एक्स इज इंक्रीज्ड बाय 1.5 एंड रिएक्शन रेट इंक्रीजेस बाय 2.25, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा ऑप्शन सी होगा, मतलब कि रेट इज इक्वल्स टू के एक्स रेट प्लस 2.25 इक्वल्स टू के इंटू एक्स प्लस 1.5, बट के एक्स के लिए के एक्स प्लस 2.25 इज इक्वल्स टू के एक्स प्लस 1.5 के, के इज इक्वल्स टू 2.25 upon 1.5, सो इसका आंसर होगा 1.5। ओके, इसका आंसर होगा 1.5, सॉरी ये होगा। ओके, और इसका ऑर्डर होगा फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ग्राफ इज रिक्वायर्ड टू गेट पॉजिटिव स्लोप फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आपको थियरी याद हो, हमारा डायग्राम याद हो, तो आपको ये भी याद होगा। ओके, और ये AIIMS 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। 43 नंबर, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डीकंपोजिशन ऑफ 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डैश टाइम्स हाफ लाइफ टाइम। मध्य प्रदेश पेट 2002 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, और इसका हम आंसर देखते हैं, वो है 3.3, और इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं,
90% इक्वल्स टू 2.303 फॉर्मूला लगाएंगे के लॉग ए अपॉन ए माइनस 0.99। ओके सो इसका आंसर होगा 2.303 बाय के लॉग 10 2.303 बाय के इज इक्वल्स टू सॉरी टी हाफ होगा, ये टी हाफ हमें दिया गया है डैश टाइम्स हाफ लाइफ टाइम। ओके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो ये होगा 2.303 बाय टी लॉग ए अपॉन 9 माइनस 9 बाय 2। ये 9 ही है मुझे ये समझा, 9 ही आएगा, 90% कहा ना इसलिए सॉरी 2.303 बाय के लॉग 2 इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 2 का लॉग टी 90% अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 1.3 0.3010 अपॉन। ओके सो इसका आंसर होगा 3.3। नेक्स्ट अप विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमारा वीडियो याद होगा तो ये भी याद होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इनटू फ्रुक्टोज एंड फ्रुक्टोज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर आर्हेनियस रेट कांस्टेंट इक्वेशन, आर्हेनियस वाला वीडियो देखा हो तो याद होगा, एज टी इंक्रीजेस के इज इंक्रीजिंग एंड ए इज डिक्रीजिंग। ओके सो नेक्स्ट इज इफ द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 300 टू 310 द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज ऑलमोस्ट डबल बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ऑलमोस्ट डबल। कोलिशन थियरी हमारा वीडियो था, लास्ट सेकेंड वीडियो था कोलिशन थियरी, ना देखा हो तो देख लेना। नेक्स्ट है 47 नंबर, टू रिएक्शंस R1 एंड R2 हैव आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 एक्सीड्स दैट R2 बाय 10 किलो जूल पर मोल, इफ K1 एंड K2 आर रेट कांस्टेंट फॉर R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली एट 300 केल्विन देन ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, R का वैल्यू आपको दिया गया है, ये JEE मेन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन होगा K1 इक्वल्स टू A इंटू E रेस टू A1 अपॉन RT सॉरी कैपिटल T आएगा, K2 इज इक्वल्स टू A इंटू E रेस टू EA2 अपॉन RT। अब हम इसका रेशियो ले लेते हैं, K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू E रेस टू माइनस एक मिनट थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि ऊपर मसाला ज्यादा है इसलिए K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू E रेस टू माइनस EA2 माइनस EA1 अपॉन RT कॉमन है, ये सब ऊपर है नीचे मत लिख के आ जाना। ओके सो इसमें हम वैल्यूज पुट अप करेंगे, K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू E रेस टू 10 × 10³ अपॉन 8.314 इंटू 300। सो हमें इसमें से E निकालना है तो ln लेना पड़ेगा और इसका कटिंग 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 करेंगे तो K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 4 पर ln लेना ना भूले, हमें हमारा आंसर मिल गया वो है 4। नेक्स्ट MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट, कौन सा इक्वेशन इनकरेक्ट है, ln a इक्वल्स टू ln k माइनस e अपॉन 2.303 rt। ये सही है, ये वाला गलत है, a इक्वल्स टू k इनटू e रेस टू e बाय rt आरहेनियस में, ये वाला भी सही है सॉरी
ये भी सही है, कांस्टेंट लगा देंगे ना, यही गलत है। यही गलत है। द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इज, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस रिएक्शन एनर्जी प्लस ई ए अपॉन ई ए ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट कंसिस्टेंट रिलेशन, कौन सा रिलेशन मोस्ट कंसिस्टेंट है? तो इसका आंसर होगा रिएक्शन रेट प्रोपोर्शनल टू एनर्जी बैरियर, प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी, प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कोलिजन्स। और हमारा लास्ट वाला एमसीक्यू है 50 नंबर का, क्योंकि 51 तो पॉसिबल नहीं थे, एक वाले में गड़बड़ हुई थी, वो हमने 2 बार रिपीट कर लिया था, हमको लगा 51 होंगे पर 50 है, और ये लास्ट है। इसका आंसर होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैरियर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज मोस्ट एक्सोथर्मिक। ये एनर्जी बैरियर वाला लास्ट वीडियो, मतलब कि इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो उसको भी देख लेना। इसका आंसर होगा सी, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन एक्सिस के बीच में ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होने वाला है। तो दिस इज हाउ वी एंड अवर लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग एंड स्पेयरिंग योर प्रेशियस टाइम फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो और बाजू में बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दो, तो आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और अगर ये आपको लगा हो कि ये वीडियो अच्छा है तो आप दूसरों को भी ये शेयर करके उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो इसके बाद वाला वीडियो हमारा न्यूमेरिकल्स का होगा और उसके बाद हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे होंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। Do just what I do, and I hope you let me in, yeah.